हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सरसों और मिक्स भाजी। सबसे पहले हम सरसों को मोटा मोटा काट लेंगे। इसी तरीके से मिक्स भाजी को भी हम काट लेंगे। अब हम कटी हुई भाजी को कुकर में डालेंगे। अब हम डालेंगे एक बड़ा कप पानी। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज। टमाटर इन सभी को बारीक पीस लेंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे और इसमें से भाजी को निकालकर दरदरा पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। अब हम डालेंगे तेज पत्ता और अब हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला भून के तैयार है। अब हम डालेंगे पिसी हुई भाजी और 2 कप पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा सरसों का साग बनके तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इंडियाज़ फ्लेवर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।